हे दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं स्कूल एंड कॉलेज आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल एंड कॉलेज हमें नहीं सिखाते। स्कूल में 10 साल पढ़ने के बाद भी एक बच्चा सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाता। यहाँ तक कि कॉलेज के बच्चे जो 19 से 20 साल के होते हैं, शायद उन्हें बच्चा भी नहीं कहना चाहिए। वो भी अपने खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर वो 4 साल की उम्र से स्कूल जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी 15 से 16 साल की लाइफ सिर्फ पढ़ाई में गुजार दी, फिर भी उन्हें सेल्फ डिपेंड रहना नहीं आता। अगर उन्हें एक पेन या एक नोटबुक भी लेनी होती है तो वो इसके लिए भी अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ गलती बच्चों की ही नहीं है, इसमें कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी गलतियाँ हैं। जैसे कि आज हमें 21वीं सेंचुरी में भी 19वीं सेंचुरी की बुक से पढ़ाया जाता है। 100 साल पहले भी पढ़ाने का तरीका वही था जो आज है। इस तेजी से बदलती दुनिया में हमारी इस एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना होगा। न जाने आज भी ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमें फालतू में पढ़ाई जा रही हैं, जो जिंदगी में हमारे कभी काम ही नहीं आने वाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर शिकायत ही करते रहें कि हमें स्कूल ने ये सिखाया ही नहीं, हम क्या करें। कोई भी स्कूल परफेक्ट नहीं है, लॉस परफेक्ट नहीं है, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इन्हें बनाने वाले खुद परफेक्ट नहीं है। अगर आप परफेक्ट स्कूल या कॉलेज ढूंढोगे तो जिंदगी भर ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि आपको कोई भी परफेक्ट स्कूल या कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो चलिए बात करते हैं अब हम उन चीज़ों के बारे में जो स्कूल एंड कॉलेज में हमें नहीं सिखाई जाती। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा जो चीज़ें जरूरी हैं लेकिन स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, और फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी उन स्किल्स को सीखने की। नंबर 1, नो रूम फॉर पैशन। आज अगर देखा जाए स्कूलों में तो सभी बच्चों को एक ही जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जबकि दुनिया जानती है हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है तो कोई बच्चा दूसरे किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, पर स्कूल में सारे सब्जेक्ट के बेसिस पर बच्चों को इंटेलिजेंट और स्टूपिड बता दिया जाता है, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं होता, जिसकी वजह से आज बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं और उन्हें आगे चल के क्या करना है। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। शायद हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है कि हमें पैसे के बारे में नहीं पढ़ाना। जब एक बच्चा कॉलेज से निकलता है तो हर कोई उससे यही उम्मीद रखता है कि अब वो पैसे कमाएगा, लेकिन उसे पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हाई स्कूल पास बच्चे को बैंक का फॉर्म फिल करना नहीं आता, उसे चेक भरना नहीं आता, उसे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में फर्क नहीं पता, और उसे ये भी नहीं पता कि हमारे देश के टैक्स रूल्स क्या हैं और वो हमारे देश का भविष्य है। नंबर 3, क्रिएटिविटी। जब अंग्रेज इंडिया में बिजनेस करने आ रहे थे तो उन्हें कुछ इस टाइप के लोगों की जरूरत थी जो उनके लिए काम कर सकें बिना किसी सवाल जवाब के। उस टाइम उन्हें 3 तरह के लोगों की जरूरत थी। फर्स्ट, क्लर्क, जो उनके लिए अकाउंटेंट का काम कर सके। सेकंड, मिलिट्री मैन, जो उनके लिए लड़ सके और उनके ऑर्डर मान सके। इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो है नो क्रिएटिविटी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा स्कूल सिस्टम बनाया जहाँ पे ऑर्डर मानना सिखाया जाए, और वो सिस्टम हम आज भी फॉलो करते हैं। अगर आज आपको अपनी नोटबुक भी किसी को देनी होगी तो उसके लिए भी आपको अपने टीचर से परमिशन लेनी होगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आप अपनी नोटबुक बिना टीचर से पूछे किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दें तो क्या हमारे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। नंबर 4, हाउ वी लर्न। हमें स्कूल्स में ये तो बता दिया जाता है कि ये पढ़ना है, पर ये नहीं बताया जाता कि कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अगर बच्चों को ये पता चल जाए कि वो क्यों पढ़ रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है पढ़ाई में। ऐसे ही अगर हम देखें तो स्कूल्स में हमें ये तो बताया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि क्या करें। लेक्चर। आज हमारी कंट्रीज़ के स्कूल में बच्चों को 4 घंटे से ज़्यादा सिर्फ लेक्चर दिए जाते हैं, मतलब कि जो हमारा इंडियन स्कूल सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ 90% लेक्चर पर बेस्ड है। प्रैक्टिकल और केस स्टडीज तो सिर्फ ना के बराबर हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो दुनिया के जो बेस्ट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्रैक्टिकल अप्रोचेज में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हार्वर्ड, ये लोग 80% केस स्टडीज और 10% प्रोजेक्ट और ओनली 5% लेक्चर पर वर्क करते हैं। स्टैनफोर्ड, 40% केस स्टडीज, 25% प्रोजेक्ट्स एंड ओनली 20% लेक्चर्स। वॉर्टन, 40% केस स्टडीज, 25% प्रोजेक्ट एंड ओनली 20% लेक्चर्स। तो दोस्तों, ये थी कुछ कमियां जो हमारे इंडियन स्कूल सिस्टम में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इसे शेयर करें सभी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। माय नेम इज दक्ष। आई एम 6.5 इयर्स ओल्ड। आई एम मेकिंग माय ओन फोन। माय नेम इज लहब। आई एम 8 इयर्स ओल्ड एंड आई वांट टू बिकम अ डिजाइनर एंड दीज आर अ फ्यू आउटफिट्स आई हैव मेड। हाय, आई एम आर्यन एंड दिस इज अर्णव एंड वी आर इन ग्रेड 5 एंड वी आर इन गेम डेवलपमेंट फॉर द पास्ट ईयर। वी मेड 4 गेम्स एंड